दोस्तों ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर दिख रहे हैं, दोनों चार्जिंग केबल हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। ये टाइप सी है और ये है लाइटनिंग पोर्ट। ठीक है, लाइटनिंग पोर्ट और टाइप सी में क्या अंतर है, कौन सा बेहतर है, और मतलब आईफोन भी अब टाइप सी लाने पे मजबूर हो गया है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों में बेसिक अंतर, कौन सा बेहतर है, कौन सा फास्ट है, कौन सा यूज़ में आता है, किसका एग्जिस्टेंस कब से है, कौन कब स्टार्ट हुआ है, सबके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, छोटा सा कंसाइज एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ दोनों ही टाइप के चार्जिंग केबल के बारे में। बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो को देखते रहिएगा आखिरी तक। वीडियो से कोई भी रिलेटेड सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा अगर पसंद आता है तो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों कब आए। ठीक है, ये जो टाइप सी है ये आया है 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये जो लाइटनिंग पोर्ट है ये आपका 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये जो टाइप सी है ये बहुत सारे फ़ोन्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, अब तो इवन आईपैड और आईपैड एयर और प्रो में भी आ गया है, लेकिन ये जो आपका लाइटनिंग पोर्ट है इसको सिर्फ बुक करके रखा है आईफोन्स में। ठीक है, ये आपको आईफोन्स में देखने को मिलेगा और पुराने आईपैड वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये यूज़ किस लिए होता है, ये यूज़ होता है देखो कम्युनिकेशन के लिए, चार्जिंग के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए, उन सब चीज़ों के लिए ये यूज़ में आ जाता है। अब देखो दोनों में आपको देखने में कुछ अंतर दिख रहा है, इन दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इनके डिज़ाइन में अंतर देखने को मिल रहा होगा। ये चपटा सा है दोनों तरफ से और ये ऐसा है, तो इससे डिज़ाइन में आपको ये अंतर समझ में आ गया। अब मैं आपको अगर बताऊं कि ये जो टाइप सी है इसकी जो ट्रांसफरिंग स्पीड है, मतलब कोई भी फाइल अगर आप ट्रांसफ़र करते हो उसकी ट्रांसफरिंग स्पीड है 40 Gbps, अप टू 40 Gbps, मतलब मैक्सिमम 40 Gbps है। और वहीं आपको बहुत ज़्यादा निराशा भी होगी, बहुत ज़्यादा हैरानी भी होगी कि इसकी जो ट्रांसफरिंग स्पीड है वो अप टू 480 Mbps है। ठीक है, तो अब आप सोच लो लगभग 100 गुना पीछे। ठीक है, ये दोनों में अंतर आ जाता है यार, मेरे को मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। ठीक है, दोनों में मैं भी इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से नहीं जानता था, मैंने भी इसके बारे में रिसर्च की तब मुझे पता चला और काफ़ी वो लगा। देखो इसके एप्पल हमेशा छुपा के रखता है अपनी चीज़ों को, चाहे आपने जो भी चार्जर है, फ़ोन्स हैं, इनकी काफ़ी सारी जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं उनको एप्पल बाहर उजागर नहीं करता है, वैसे ही एप्पल ने ये नहीं बताया है कि इसकी स्पीड, ट्रांसफरिंग स्पीड क्या है, लेकिन काफ़ी सारे टेस्ट हुए तो उसमें ये निकल के आई एक एवरेज स्पीड की अप टू 480 Mbps इसकी ट्रांसफरिंग स्पीड। और ये साथ ही साथ आपको USB 4.0 का सपोर्ट दे देता है, USB 4 का सपोर्ट दे देता है। और इसकी मैं बात करूँ तो अगर USB के ही कंपेरिजन में मैं बात करूँ तो कंपेरेबल है कि ये USB 2 के सपोर्ट के साथ ही आ जाता है। और ये सारे चीज़ें जैसे अभी बात की भी हमने कि ये आपके जो टाइप सी है वो एंड्रॉयड फ़ोन्स में आते हैं, आईपैड में भी अब आने लगे हैं, और मतलब लगभग सारे अब जो भी नए नए एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उनमें सब में टाइप सी आता है। आप इसकी देख सकते हो, पहले इससे पहले जो एंड्रॉयड फ़ोन्स में आते थे वो काफ़ी सारे, पहले तो USB 2 micro USB आता था, है ना, और आईफोन में इससे पहले जो एक 40 पिन का या 30 पिन का एक चार्जर आता था, मोटा सा भद्दा सा, वो आता था। उसके बाद 2012 में जब से ये आया है तब से आज तक ये आईफोन्स के साथ कंसिस्टेंट था, इससे पहले कि गवर्नमेंट्स ने और जो भी एजेंसीज़ हैं उन्होंने इस एप्पल पे प्रेशर नहीं डाला कि आपको USB-C को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। उससे पहले तक आईफोन्स इसके साथ ही आते थे, ठीक है, केबल के साथ आते थे, और ये तो हटा ही दिया था। ठीक है, तो ये हटा ही दिया था, लेकिन हाँ ये आता था। फास्ट चार्जिंग के लिए आपको पावर की ज़रूरत रहती है, तो इसमें आपको जो पावर है वो 100 वॉट का देखने को मिला। पावर की रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 100 वॉट से आपको 240 वॉट तक का आपको इसमें पावर देखने को मिल जाता है। और अगर लाइटनिंग केबल की बात करूँ मैं तो इसमें जो आपको पावर देखने को मिलता है वो 12 वॉट का लगभग पावर देखने को मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि पावर की रेंज में भी कितना अंतर है, कि ये कितने पावर मतलब कितने वॉटेज को सपोर्ट कर सकता है। ये 100 से लेकर 240 वॉट को आराम से कर सकता है और ये 12 वॉट को लगभग सपोर्ट कर लेता है। लेकिन अभी जो थोड़े से अभी आईफोन 13 वगैरह आए हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि वो 27 या मतलब 30 वॉट
को भी सपोर्ट कर लेता है, 30 वॉट के अडेप्टर को सपोर्ट करता है। तो यार देखो, 30 वॉट का अडेप्टर है तो पावर तो इसी में से जानी है, करंट तो इसी में से फ्लो करना है। तो यहाँ पे आपको इसको मतलब लगभग कह सकते हो कि ये लगभग 30 वॉट को सपोर्ट कर सकता है ये केबल। ये जो लाइटनिंग केबल है, इससे अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आपको USB to Lightning का कनेक्टर चाहिए होगा, उसके थ्रू ही आप फास्ट चार्जिंग कर पाएंगे। और उसके लिए भी आपको एटलीस्ट 20 वॉट या उससे ऊपर का अडेप्टर चाहिए होगा। और यहाँ पे अगर मैं USB Type-C की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको USB Power Delivery मतलब USB Power Delivery सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग। जैसे मैंने आपको बताया भी कि USB Type-C तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन हाँ, इसको अगर लाइटनिंग केबल की मैं बात करता हूँ, इसको फास्ट चार्जिंग करवानी है तो इसके लिए आपको USB Type-C का ही यूज़ करना पड़ेगा। अब दोनों की अगर मैं इसकी बात कर लूँ, स्ट्रेंथ की बात कर लूँ, तो दोनों का स्ट्रेंथ यार लगभग देखो सेम ही है, लेकिन कहा जाता है कि ये थोड़ा सा जल्दी खराब होने का डर है ना इसमें। और ये थोड़ा सा मैं भी देख रहा हूँ, हल्का सा थोड़ा टिल्ट सा हो गया इसमें। तो क्या है यार, ये सस्ता ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले महंगे आते हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं, तो फाइनल वर्डिक्ट में यही है कि ये फास्ट है, ये थोड़ा सा स्लो है। इसको अभी तक एप्पल बरकरार रखे हुए था, लेकिन अब बरकरार नहीं रख पाएगा, क्योंकि अब एप्पल में भी Type-C ही आने वाला है। तो ये आपका एक तरह से कह सकते हो खत्म हो गया इसका काम। लेकिन हाँ, ये अब एक तरह से यूनिवर्सल होने वाला है, क्योंकि अब एप्पल ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है। एंड्रॉयड्स में आता ही था, और अभी इससे बेहतर तो कुछ है नहीं USB Type-C में। तो ये काफ़ी फास्ट हो गया है, ठीक है, काफ़ी फास्ट है, तो इसको यूज़ करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, आई होप ये छोटा सा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मेरी तरफ से इंटरेस्टिंग था, आपकी तरफ से भी इंटरेस्टिंग होगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।